गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मन्नू अभी तक उठा नहीं है। चलो उसको उठा के आती हूँ पहले। और मौसम हो रहा है बहुत ही अजीब सा, आंधी सी चल रही है, बारिश भी आ रही है और वो अभी तक उठा नहीं है। ऐसे मौसम में भी नहीं उठता नालायक। और कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं दोपहर के। उसको उठा कर आते हैं चलो। चिड़िया ही चिड़िया बोल रही है इधर। ओ रहा है इंसान अभी तक सो रहा है। ये देखो उठ जा, बाहर मौसम देख। मौसम 12 बज रहे हैं। 12 उठ मुझे उठ आराम के मजे लेने दे। मैं दिलाती हूँ मुझे तेरे को, तो तू चल चप्पलों में मार मार के मजे। चल उठ जा यार। आलस देख रहे हो इंसान का? आलस देख रहे हो? ये पढ़ने वाले बच्चे हैं नालायक हरामी। चल उठ। अरे उठ तू है बिल्ला, चल उठ जा यार। हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी शाम के बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। और अभी मौसम देखो कितना मस्त हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल हो रखे हैं। टफी तो अभी जा रहा हूँ मैं गैरेज में, पापा बुला रहे हैं तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या काम के लिए बोल रहे हैं पापा। अच्छा अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा है। अभी मौसम देखो कैसा हो रखा है भाई साहब, मस्त मौसम हो रखा है। अभी चलते हैं अपन गैरेज में। अभी हम आए गैरेज में, पापा ने कहा है ये घास काटने है मुझे। हाँ घास ही काटना है, हाथ कब बोला मैंने। देखो यहाँ पे कितना ज्यादा गंदा हो रखा है, ये इसके पत्ते हैं और यहाँ पे हो रखे, तो अभी इन्हें सभी को साफ करेंगे यहाँ से। तो ये इतना साफ करना है, वो ईट वगैरह लगानी है कुछ इस तरीके से, तो ये करते हैं अभी सारा काम। तो अभी देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा साफ सफाई हो गई है, अभी भी पूरी हुई नहीं है। वहां से वो कोना रख रखा है और यहाँ से ये कचरा वगैरह, तो ये कल करेंगे और बाकी आज के लिए इतना ही बहुत है। तो और यहाँ पे भी झाड़ू निकाल दी थी, आंधी आई थी, काफी ज्यादा मिट्टी हो रखी थी और पसीने में हालत खराब हो गई भाई साहब। चींटी ने भी काट लिया, बुरी हालत हो रखी है। और अभी चलते हैं अपन घर पे, नींबू पानी बनाएंगे, खुद पियेंगे और पापा को पिलाते हैं। तो अभी घर पे आ गए हो, मौसम देखो कैसा हो रखा है ये देखो। और ऊपर चांद भी निकल के आ गया अभी पहली अभी से ही। और बाकी मौसम तो काफी ज्यादा बढ़िया हो रखा है। अभी बनाएंगे नींबू पानी, तो मैं पुदीना लेने के लिए आया हूँ अपने गार्डन में। घर पे रहो, अपने नींबू पानी बनाओ, खाओ पियो, ऐस करो, बाहर मत जाओ। देखो ये हमारा पुदीना है बहुत सारा। ये किसका पेड़ है? ये जामुन का है शायद। और ये है नींबू का पेड़, ये अमरूद के हैं दोनों। और इधर बताऊ भी लगे हुए हैं हमारे बहुत सारे। अभी हल्की हल्की बारिश आनी चालू हो गई है और मौसम तो अजीब सा ही हो रखा है, बताने अभी बारिश आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। ये देखो नीचे यहाँ पे गीला हो रखा है। तो बनाते अपना नींबू पानी। सो गाइस अभी अपना नींबू पानी बन रहा है और लाइट चली गई थी, तो मैंने यहाँ पे रूम के अंदर आके इसे कनेक्ट किया है इन्वर्टर से। अभी देखो तो गाइज अभी लाइट चली गई है, नींबू पानी भी अपुन ने पी लिया और अभी चल के आते हैं अपुन मंदिर में। तो चलते हैं और लाइट चली गई है, काफी ज्यादा अंधेरा है। अब देखना वहां पे बस इन्वर्टर की लाइट ऑन है, अभी पूरा अंधेरा हो गया है। अब आई की हल्की सी लाइट, तो ये चांद की लाइट है। अभी आया हूँ मैं मंदिर में और यहाँ पे हमारे हमारे प्रो प्लेयर और अभी बैकअप हो रहा है। थोड़ा लेट हो गए, लाइट भी चली गई, अभी लाइट भी नहीं है बिल्कुल भी। टफी भी आया है हमारे साथ, अभी चल रहे हैं टफी घर पे। रोज का ही काम है,
टफी किसको देख रहा है? अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है भाई साहब। टफी चलो चले घर पे। ओ टफी जी इधर देख, इधर इधर देख, भूत जैसी आंखें तेरी। तो अभी बैठे थे यहीं पे और लाइट भी आ गई, अभी देखो रोशनी होगी चारों तरफ। ये हमारा टफी देखता रहता है बस इधर रास्ते पे, पता नहीं क्या देख रहा है इसको। लाइट आ गई, मौज हो गई। सो गाइज अभी हम घर पे आ गए हैं और इसी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो अगला व्लॉग आई होप बड़ा होएगा, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।